नमस्कार, आज हम लोग आप लोगों के लिए बूस्टर लेके आए हैं जनरल अवेयरनेस का, जो कि IBPS RRB के जो भी PO या क्लर्क के एग्जाम होने वाले हैं उनमें बड़ा यूजफुल होगा, और जो IBPS PO का मेंस आने वाला है उसमें भी काफ़ी यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। दोस्तों, हमारी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग हमें फेसबुक के ऊपर लाइक कर सकते हैं पेज को, और जो फेसबुक का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डाउनलोड, स्टडी मटेरियल, कैप्सूल वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, तो वो जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये कोचिंग प्रोग्राम अपना एक चल रहा है, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो आपको घर बैठे आपकी सारी कोचिंग के रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। तो इस कोचिंग प्रोग्राम के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ा एक इफेक्टिव प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग कोर्सेज को और ज़्यादा अफोर्डेबल बना रहे हैं। एक नया सिस्टम लेके आए हैं जिसके तहत हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो कम हो रही है, तो हम आप लोगों को उसका फ़ायदा दे रहे हैं। तो मोर देन 50% भी प्राइजेज ड्रॉप हुए हैं, तो उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग ये जो नंबर है इसके ऊपर एक बार कॉल कर लीजिएगा, आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। 6 तारीख के बाद में ये प्राइस ड्रॉप होने वाले हैं, आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर कॉल करके। लिमिटेड हैं सारी चीज़ें, तो आप लोग जितना जल्दी कॉल करेंगे उतना जल्दी आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं अब अपना। देखो, इस कैप्सूल के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो ये 16 पॉइंट हैं, 15-16 पॉइंट हैं जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला जो पार्ट रहेगा जो अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद के जो पॉइंट हैं ये एक बड़ा पॉइंट है, उसके बाद में सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको अपन लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। लेकिन पहले ये जो 3 पॉइंट है इसके ऊपर काफ़ी चर्चा होनी जरूरी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मार्क्स ये इंक्लूड करता है। दोस्तों, बूस्टर का मतलब ये नहीं होता कि सारा GK यहीं से आ जाएगा, लेकिन एंड टाइम पे आपको एक बूस्टअप मिलेगा जिसमें आप अपना GK का जो स्कोर होता है, GK बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेन एग्जाम के लिए, तो उसका जो स्कोर है आप लोग 30-40% तक इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट जो होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वही डिस्कस करते हैं। जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें वो डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन एंड टाइम पे जो आपको पढ़ना होता है वो यही होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला होता है। ये जो कैप्सूल है किस किस एग्ज़ाम के लिए आपको लिए फ़ायदेमंद रहेगा मैं बताता हूँ। IBPS का जो RRB हुआ है, जिसमें चाहे आप PO या क्लर्क यानी कि ऑफिसर स्केल या फिर ऑफिस असिस्टेंट, दोनों एग्ज़ाम के जो मेंस है उसके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। और जो IBPS का जो आपका क्लर्क का और PO का एग्ज़ाम आने वाला है, PO के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, और क्लर्क के लिए भी 50% मटेरियल के लिए कवर कर लेगा, और 50% के लिए हम लोग फिर आने वाले टाइम में और वीडियोज़ दे देंगे आप लोगों को। PO में ये 70% कवर कर लेगा, और 30% जो बचेगा वो हम आने वाले टाइम में आप लोगों को अपडेट उसके बारे में कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेक्शन से काफ़ी कुछ आने वाला है। इसी वीडियो से आपका 3-4 क्वेश्चन, हो सकता है 5-6 क्वेश्चन का भी काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे यही सी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट। देखो, पहले पेज से एक क्वेश्चन आना डेफिनेट है, 100% यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन मिल जाएगा। बस आपको ये रेट्स याद रखनी है, 6 रेट हैं, इनको याद रखिए, और एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट हो जाएगा यहाँ से। इसीलिए मैं पहले पेज पे हमेशा यही रखता हूँ, ताकि कम से कम पहले पेज पढ़ते ही आप एक क्वेश्चन तो आपका हो जाए कि भाई एक क्वेश्चन तो मैं ये डेफिनेट करके आने वाला हूँ एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा, बैंक रेट 6.25% है, CRR 4% है, SLR जो है 19.50 है, और रेपो रेट 6.00 है, रिवर्स रेपो रेट 5.75 है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि MSF जो है वो 6.25% है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, याद करने की भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो आप ये याद कर सकते हो, जो बैंक रेट और MSF हमेशा लगभग बराबर रहते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। CRR हमेशा लगभग 4% रहता है, कभी बहुत ही कम चांसेस में इसमें चेंज होता है। SLR सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको वैसे याद रख सकते हो 19.50। कन्फ्यूजन होता है हमेशा रिवर्स रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंदर। तो आप ये देखिए, बड़ा नाम जिसका है उसकी रेट कम है, और जिसका छोटा नाम है उसकी रेट ज़्यादा है, बस। तो इसी से आपका कन्फ्यूजन दूर रह जाएगा। आपको ये तो याद रहेगा 6% और 5.75%, लेकिन ये कन्फ्यूजन रहेगा कौन सा रिवर्स का, कौन सा रेपो रेट का। तो इसमें देखिए, रिवर्स रेपो रेट बड़ा नाम है तो उसकी रेट कम है, ऐसे ध्यान में रख लीजिए, और रेपो रेट कम छोटा नाम है इसलिए उसकी रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हैं आपकी रेट्स, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, मार्क्स माई वर्ड्स। आप लोग डेफिनेटली इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, पहले भी पढ़ लिया होगा लेकिन एक बार रिवीजन के लिए यहाँ से एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, सुनी हुई बातें ज़्यादा याद रहती हैं।
जीडीपी प्रेडिक्शन का अपना जो टॉपिक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर बार लगभग आ ही जाता है, तो 90% में बोलूँगा यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जीडीपी प्रोडक्शन प्रेडिक्शंस करती है कि इंडिया की जीडीपी कितनी चल रही है, तो उसी हिसाब से अलग अलग प्रेडिक्शंस हैं। इसमें आप लोग बांट लीजिएगा किसका कितना कितना है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा सेम सेम को एक जगह कर लीजिए, ठीक है। तो रिजर्व बैंक इंडिया के हिसाब से 6.7% है, ठीक है, और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के हिसाब से 6.7% है। डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी CRISIL के हिसाब से 6.7% है, ठीक है, और IMF के हिसाब से भी 6.7% है, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के हिसाब से भी 6.7% है। तो आप ये याद रख लीजिए कि ये जो पांच ऑर्गेनाइजेशन हैं इन्होंने 6.7% है, तो आपको एक जगह पांच को एकदम याद रख लीजिए कि इन पांच के हिसाब से 6.7% है, ठीक है, ऐसे याद कीजिए रिलेट करके आपस में चीज़ों को। उसके बाद में आती है बात यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक ने 7% है और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 7% है, तो याद रह जाएगा। देखो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB 7% है, इसके बाद में 7% किसी ने नहीं दिया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने अपना एक अलग ही दिया UN ने, तो उसका 7.3% है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग, ठीक है, इसने जो अपनी जो रेटिंग दी है वो दी है 6.9%, ठीक है। इसके अलावा द CSO यानी द सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस ने 7.1% दी है, और जापानीज फाइनेंस होल्डिंग कंपनी नोरुमा एक कंपनी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसने भी 7.1% दी है। HSBC एक बैंक है, उसने भी 7.1% यहाँ पे GDP प्रेडिक्शन दिया है। तो आप इसको कितने स्लेब में बांट लो, चार स्लेब के अंदर बांट लो, चार ग्रुप्स के अंदर बांट लो, और उन ऑर्गेनाइजेशंस को एक जगह पे याद कर लो, इन्होंने 6.7 दिया, इन्होंने 7 दिया, इन्होंने 7.3 दिया है। तो इस हिसाब से आप इसको याद करके चले जाइए, आपका एक क्वेश्चन का काम यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद में मैं बात करता हूँ ऐप्स वेब पोर्टल एंड डिजिटल बैंकिंग, इसको दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। एक तो बैंक ने जो जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि वेबसाइट वगैरह या फिर और कोई भी अगर चीज़ें की है तो वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे डिजिटल से रिलेटेड। इसके बाद में एक सेक्शन आएगा जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे रेलवे हो गया और कुछ हो गया, जो भी डिपार्टमेंट है उन्होंने अगर कोई एप्लीकेशन वेब पोर्टल ये रिलीज किए हैं, तो यहाँ से गवर्नमेंट प्लस बैंकिंग का मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सफिशिएंट मटेरियल डाल दिया, इसके बाद में इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पेजो लॉन्च्ड एन AI पावर्ड चैट असिस्टेंट फॉर SBI टू एड्रेस कस्टमर इंक्वायरीज, मतलब कस्टमर की इंक्वायरी के लिए पेजो एक ऐप लॉन्च किया है SBI ने। तो बस आपको क्या याद रखना है, पेजो ऐप किसने लॉन्च किया है, SBI ने लॉन्च किया है, बस। किससे रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैट असिस्टेंट, बस इतना याद रखना है। बस इतना भी याद रखोगे कि पेजो किसने लॉन्च किया है, SBI ने लॉन्च किया है, तो भी आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें तो याद रखने के लिए होती हैं। इसके बाद में बात करते हैं SBI ने SBI रियल्टी, ये एक प्लेटफॉर्म मान लो या फिर वेबसाइट मान लो ये लॉन्च किया है, जिसके लिए ये क्या कि वन स्टॉप इंटीग्रेटेड वेबसाइट है फॉर होम बायर्स, ठीक है, जो होम घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है उसके लिए एक ही जगह पे सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आ गया है, SBI होम लोन वगैरह के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि होम बायर्स के लिए SBI रियल्टी ये किसने लॉन्च किया है, तो SBI बैंक ने लॉन्च किया है, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लेगा SBI ने एक वेबसाइट लॉन्च की है अभी होम बायर्स के लिए, तो उस वेबसाइट का नाम क्या है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। PNB पंजाब नेशनल बैंक और BSNL जो कि अपना टेलीकॉम प्रोवाइडर है, ये एक जगह आ गए हैं, इन्होंने कोलोब्रेशन कर लिया है, ठीक है। एक मोबाइल वॉलेट इसने इन्होंने लॉन्च किया है, जिसकी एप्लीकेशन मान लो मोबाइल वॉलेट मान, जैसे पेटीएम अपना मोबाइल वॉलेट है, वैसे एक वॉलेट लॉन्च किया जिसका नाम रहेगा स्पीड पे, ठीक है। 10 स्टेट के अंदर ये भी काम कर रहा है, इससे आप लोग रिचार्ज वगैरह बिल वगैरह ये सारी चीज़ें पे कर सकते हो। तो PNB पंजाब नेशनल बैंक और BSNL ने मिलके ये मोबाइल वॉलेट स्पीड पे यहाँ पे लॉन्च किया है। जो जो मैं यहाँ पे गोले मार्क कर रहा हूँ बस आपको वही याद रखना है, PNB और BSNL ने मिलके क्या लॉन्च किया है, स्पीड पे एक मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया है, बस इतना याद रखना है। बाकी चीज़ें आप लोगों को बस पढ़ने के लिए ताकि याद हो जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है। केनरा बैंक ने 2 डिजिटल सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च किए, एक तो भारत QR नाम से, ठीक है, पेमेंट सेटलमेंट मर्चेंट जो लोकेशंस होती है उनके लिए ये किया है, जो दुकानदार वगैरह सारी चीज़ जो बेचते हैं लोगों से पेमेंट रिसीव करते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें की है। एक BBPS,
ठीक है, बिल पेमेंट सिस्टम भी यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है फॉर नेट बैंकिंग कस्टमर्स के लिए। तो बस आपको इतना याद रखना है, भारत क्यूआर सर्विस और बीबीपीएस सर्विस किसने लॉन्च किए, तो आपको बैंक का नाम याद आना चाहिए केनरा बैंक। बस इतना याद रखो, भारत क्यूआर, बीबीपीएस सीधा नाम याद आना चाहिए केनरा बैंक, बाकी सारी चीज़ें खत्म। नेक्स्ट आ जाइए, केनरा लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग ब्रांच। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग ब्रांच लॉन्च की है जिसका नाम इन्होंने कैंडी रखा है। उसको कहाँ लॉन्च किया, बेंगलोर में लॉन्च किया। तो बस तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, केनरा बैंक, डिजिटल बैंकिंग ब्रांच, कैंडी जिसका नाम रखा है और बेंगलोर के अंदर लॉन्च किया। नाम तो आपको नहीं पूछेगा कोई, कैंडी से आप केनरा बैंक गेस कर लेंगे, लेकिन ये पूछ सकता है कहाँ पे लॉन्च किए, तो बेंगलोर के अंदर लॉन्च किए। पूरी तरीके से डिजिटल ब्रांच के सब कुछ यहाँ पे, एंड टू एंड डिजिटल एक्सपीरियंस मिलेगा कस्टमर को। ठीक है दोस्तों, जो इंडियन ओवरसीज बैंक है इसने भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, NPCI ने इनको हेल्प किया है, ठीक है, फॉर इट्स कस्टमर इन्होंने किया है। BBPS इज इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट है, ठीक है। तो आपको बस वही है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम ऑफर्ड हुआ है इंडियन ओवरसीज बैंक को, जो कि कैनरा बैंक को भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप और इंडियन ओवरसीज बैंक और कैनरा बैंक कोई भी ऑप्शन मिले आप लोग वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो BBPS जो है ना, ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये एक्चुअली तो इंट्रोड्यूस बाय NPCI ने इसको बनाया था, लेकिन ये बैंकों को इसकी सर्विस दे रहा है, तो उसमें कैनरा बैंक भी आ गया है और इंडियन ओवरसीज बैंक भी आ गया है। नेक्स्ट आ जाइए, क्या क्या और न्यूज़ है इसके बारे में। फिनो पेमेंट बैंक ने एक मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है बीपे, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि बीपे किसने लॉन्च किया है, फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। और मैं RRB के बारे में बता देता हूँ, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और जो पेमेंट बैंक खुले हैं, इनके बारे में आपको कम से कम भी दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो ये भी वहाँ पे के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ICICI जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, उन्होंने planyourgold.com नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है। तो बस आपको इतना याद रखना चाहिए, planyourgold.com सीधा याद होना चाहिए, ICICI की जो म्यूचुअल फंड है कंपनी है उसने ये लॉन्च किया है, ठीक है। MLLS इसका फुल फॉर्म है, मेट लोन लाइफ सुरक्षा, ठीक है, कर्नाटका बैंक ने लॉन्च की है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐप भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम KBL MLLS रखा गया है, ऐप रखा गया है। यहाँ पे आप PNB मेट लाइफ के साथ इन्होंने कोलोब्रेशन करके रखा है, तो आपको लोगों को हिंट दिया जाएगा वहाँ पे कि कर्नाटका बैंक ने PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस से मिलके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्लान लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए MLLS यानी कि मेट लोन एंड लाइफ सुरक्षा, ये ठीक है। 15 साल की इनकी पार्टनरशिप हुई है, उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है कि लोन लाइबिलिटी ऑफ ए कस्टमर, ठीक है। तो ये सिंगल प्लान है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है लोन जो लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए। और ये मेट लोन लाइफ सुरक्षा आपको नाम याद रखना है, कर्नाटका बैंक याद रखना है, किसके साथ में मिलके किया है, PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में मिलके किया है, ठीक है। इंडस OS ने पार्टनरशिप की है येस बैंक के साथ, ठीक है, क्योंकि येस बैंक की जो ऐप है वहाँ पे वो OS इंटीग्रेटेड OPI प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, तो उन्होंने येस बैंक के साथ में यहाँ पे कोलोबरेट किया है, ठीक है। पेटीएम पेमेंट्स जो हैं उन्होंने NPCI, ठीक है, NPCI के साथ कोलोबरेट किया है रुपे डिजिटल कार्ड बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा ये आपका पॉकेट ऐप है जो कि इसने किस कौन से बैंक ने बनाया है, HDFC बैंक ने बनाया है, जहाँ पे आपको एक डिजिटल कार्ड मिल जाता है, जो सर्विस अभी तक पेटीएम के पास नहीं है, तो पेटीएम कोशिश कर रहा है वो सर्विस वहाँ पे भी लेके आए। तो उन्होंने NPCI के साथ कोलोब्रेशन किया है रुपे डिजिटल कार्ड लाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ पूछा जा सकता है, मैं ट्रिपल स्टार कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गूगल तेज ऐप रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, ठीक है। न्यू पेमेंट मतलब एप्लीकेशन है, इसके अंदर UPI भी कर सकते हो, वॉलेट भी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये भीम ऐप की तरह भी काम करता है, ये पेटीएम की तरह भी काम करता है, फ्रीचार्ज की तरह भी काम कर सकता है, हर तरीके से ये काम कर सकता है। ज़्यादातर जो इसके फंक्शन है वो भीम ऐप की तरह यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे, यहाँ पे UPI पेमेंट कर सकते हो, एक आप लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एकदम तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो गूगल तेज ऐप लॉन्च हुआ है भारत के अंदर, तो ये पेमेंट ऐप है, यहाँ पे UPI वगैरह सारी सुविधाएं मिलती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है किसके तरीके से काम करते हैं, लगभग भीम ऐप के तरीके से काम करता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं, DCB बैंक ने यहाँ पे IRIS बेस्ट एक ATM तेलंगाना नाम के अंदर लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये ATM क्या करेगा, विदाउट एनी डेबिट कार्ड, ये आधार कार्ड की जो डिटेल रहेंगी ना उससे ये आप लोगों को कैश प्रोवाइड कर देगा। तो आपको डेबिट कार्ड साथ लेने की जरूरत नहीं है, सीधा फिंगरप्रिंट करना है और वहाँ से आप लोगों को
निकाल लेना है। तो आपको फाइनली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डीसीबी ने जो अपना ये डिजिटल ये एटीएम लॉन्च किया है, आईआरआईएस बेस्ड जो एटीएम लॉन्च किया है जिसमें आधार से लिंक सारी सुविधाएं होती है, तो ये कहाँ लॉन्च किया है? तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए तेलंगाना के अंदर लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो ये बेंगलोर के अंदर भी इन्होंने किया है, ठीक है। आधार बेस्ड एटीएम जो है वो बेंगलुरु के अंदर ये इन्होंने किया है, तो ये सीधा आधार नंबर से ही हो जाएगा, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लेना, एक तो आधार बेस्ड है, इसमें भी आधार की आईआरआईएस ये भी आधार से ही लिंक होता है जनरली, लेकिन ये आईआरआईएस अलग सिस्टम है और सीधा डायरेक्ट आधार बेस्ड सिस्टम है वो बेंगलोर के अंदर किया है। तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। कंट्रीज फर्स्ट बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च बाय सिटी यूनियन बैंक इन चेन्नई, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अलग टाइप का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बैंकिंग रोबोट पहला, उसका नाम ही क्या है, लक्ष्मी, यही पूछ सकता है। किसने लॉन्च किया है? सिटी यूनियन बैंक इन चेन्नई, ठीक है। तो ये आप लोग ढंग से याद कर लीजिएगा। इंडिया फर्स्ट कैश गिविंग ऐप कैसी लॉन्च बाई TSLC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये प्राइवेट लिमिटेड था, ठीक है। तो कैसी ऐप किसने लॉन्च किया है? TSLC प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या करता है? कैश गिविंग ऐप है पहला इंडिया का। डिजिटल स्टेट फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, डिजिटल स्टेट, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट, डिजिटल विलेज, ठीक है, और कैशलेस आइलैंड और कॉलोनी, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल स्टेट आपका केरला, डिस्ट्रिक्ट नागपुर, विलेज अकोडा विलेज इन, ठीक है, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट है ये, कोई गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल विलेज बन गया। फर्स्ट कैशलेस आइसलैंड कारंग, ठीक है, ये मणिपुर के अंदर है और ये फर्स्ट कैशलेस आइसलैंड बन चुका है। फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल कॉलोनी, ये नेडू में क्या, अब हम नॉर्थ साइड के हैं, बड़े अजीब अजीब नाम आ रहे हैं, ठीक है, ये कॉलोनी बन चुकी है नीलांबूर इन मलालामपुरम, ठीक है, ये जगह का नाम है। यहाँ पे ये कॉलोनी फर्स्ट डिजिटल कॉलोनी बन चुकी है, आप लोग ये याद रख लेंगे तो भी काफ़ी है इसके अंदर। तो ये पांच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बताई। इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि कौन कौन सी ऐप यहाँ पे, एक जगह मैंने एक सिंक्रोनाइज किया है सारी ऐप का। तो देखो SBI ने मिंगल ऐप, बड़ी ऐप, E4X ऐप, मोबी कैश, SBI क्विक और समाधान ऐप, ये सारी ऐप किसने लॉन्च किए? SBI ने लॉन्च किए। पुराना एक साल तक का कंप्लीट हो गया, इसके अंदर कुछ भी पूछ ले, हर चीज़ के लिए हम लोग तैयार हैं। डिटेल के लिए मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डाउनलोड का, वहाँ से आप लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है। कैसे डाउनलोड होगा वो मैं आपको लास्ट पार्ट के अंदर बताऊँगा, ठीक है। ICICI बैंक ने कौन कौन सी ऐप रिलीज की है? मेरा आई मोबाइल, टैप एंड पे, एम पैसा, पॉकेट मनी टू इंडिया, इजी पे, स्मार्ट वॉलेट, ठीक है, और एक कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी किसने लॉन्च किया है? यह ICICI ने किया है। सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स भी ICICI बैंक ने नॉलेज किया, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पुरानी न्यूज़ हो चुकी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने लिस्ट कर दिया है, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बैंक का नाम और ऐप का नाम पता होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब बात करते हैं HDFC की बात में, ईवा, चिल्लर और पेजेप, ये HDFC ने लॉन्च किया है। यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात करें तो लाइम है, फर्स्ट मल्टी करेंसी कॉन्टैक्टलेस कार्ड भी इन्होंने लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक के अंदर डाल दिया। इंडियन बैंक ने इन पे ऐप करके नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एम कनेक्ट नाम से ऐप लॉन्च किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यू मोबाइल नाम से किया है, ठीक है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट ये प्रोजेक्ट अनन्या सिंडिकेट बैंक ने लॉन्च किया है, ठीक है। लेटेस्ट जो बैंकिंग, ठीक है, ये डिजिटल बैंकिंग सर्विस है अपने कस्टमर के लिए। तो प्रोजेक्ट अनन्या किस बैंक से संबंधित है? सिंडिकेट बैंक से, ठीक है। और मोबी क्विक ये बैंक नहीं है लेकिन एक ये ऑनलाइन डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसने एक बबल पिन नाम से ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए एक आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो आपको बबल पिन और मोबी क्विक बस इतना ही याद रखना है। तो ये मैंने एक जगह लिस्ट कर दिया सारी चीज़ों को। एक्सिस बैंक का आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। अभी क्या बच गया, हाँ मोबी क्विक आ गया। यस बैंक ने फ़ोनपे के साथ में कोलोब्रेशन किया है, ठीक है। तो फ़ोनपे ऐप वैसे तो फ्लिपकार्ट की है लेकिन ये यस बैंक के साथ कोलोब्रेट करके फ्लिपकार्ट वालों ने लॉन्च किया है। तो फ़ोनपे ऐप से किससे संबंधित हो गया? यस बैंक से। और यस एम पावर नाम से भी इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, तो वो भी आप लोग इसकी डिटेल्स पढ़ पाएंगे जब मैं आप लोगों को इसकी PDF दे दूंगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने का मतलब ये था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ना कैसे। आप लोग फालतू की डिटेल पढ़ने में बैठ जाएंगे तो के कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बैंक का नाम, ऐप का नाम याद रहेगा, इतना काफी होता है, बस इतना ही वो लिंक करके पूछता है, इससे ज्यादा वो डिटेल में नहीं जाता है।
फेडरल बैंक ने स्कैन एंड पे नाम की एक सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है। तो एक ये लौट जा नाम से एक ऐप बनी है जो यूपीआई के ऊपर बेस्ड है, लाइक भीम ऐप वगैरह टाइप से। फेड में भी फेडरल बैंक ने किया है फेड बुक सेल्फी, ठीक है, ये भी मोबाइल ऐप यहाँ पे किया है। तो इस मोबाइल ऐप के जरिए आप लोग खुद ही बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो हर ऐप की अपनी एक खासियत है, तो वहाँ से वो कर सकते हो। पीएनबी ने एम बैंकिंग लॉन्च किया है, वेव एंड पे नाम से एक लॉन्च किया है, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक ने 811 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। जीरो बैंक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं इसके ऊपर आप लोग डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जाके ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी जो एप्लीकेशन थे बैंक। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ने मिला के जो भी प्रोग्राम्स डिजिटल से रिलेटेड या फिर जो भी एप्लीकेशंस रिलीज किए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं अपने, उन्होंने लॉन्च किया प्लेटफॉर्म इफेक्टिव इन्फॉर्मेंस फॉर नो चाइल्ड लेबर, ये है पेंसिल नाम से इसका जो फुल फॉर्म है। तो यहाँ से पूरा आ गया प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। कौन सी मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट सारी गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व कर लेता है कि जो चाइल्ड लेबर है उससे फ्री करेंगे अपन लोग सोसाइटी को, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो आपको एक पेंसिल अगर नाम दिख जाए तो आपको होम मिनिस्टर याद आना चाहिए और इसकी फुल फॉर्म याद आना चाहिए, और ये चाइल्ड लेबर से संबंधित है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए बस, ठीक है। ई राकम एक प्लेटफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई ये। यूनियन गवर्नमेंट जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने ई राकम नाम से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप लोगों को सेल करने के लिए। तो आजकल ये किसानों का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाली न्यूज़ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म रिलीज किया सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहाँ पर आप लोग सेल कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सेल कर सकते हैं। उसका नाम क्या है? ई राकम, ठीक है। अब ये क्या है अब देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आपको बस इस प्लेटफॉर्म का नाम पता होना चाहिए। वेंकैया नायडू जो हैं, वीपी नायडू जो हैं हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लॉन्च नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च पोर्टल, ठीक है। कि ये पोर्टल है गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू अनअर्थ स्पोर्टिंग टैलेंट फ्रॉम एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री से ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो वहाँ से आप बायोडाटा वीडियो वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही होगा कि नेशनल टैलेंट स्पोर्ट टैलेंट रिसर्च प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो वेंकैया नायडू आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो सारे अपने वीडियोस वगैरह कर सकते हैं अगर उनको उससे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि लोग उनको देखेंगे, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट ने ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च, ठीक है। तो ये तो हमारे मिनिस्टर हो गए, तो आप मिनिस्टर भी याद कर सकते हो पंचायती राज के लिए, और रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है, ठीक है। एक रोड मेंटेनेंस के लिए ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आरंभ, तो आपको पता होना चाहिए आरंभ ऐप क्या है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा सीधा कि यूनियन मिनिस्टर पंचायती राज ने एक ऐसी ऐसी ऐप लॉन्च की है उसका नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आरंभ उसका नाम है, ठीक है। तो ये पता चल गया रोड मेंटेनेंस के लिए ऐप है आरंभ ऐप है। आगे बढ़ते हैं, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस एंड एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च किए एक ऐप सागरवाणी, ठीक है। सागरवाणी ऐप किस लिए लॉन्च की? जो ओशंस होते हैं वहाँ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलती रहे सब लोगों को, उसके लिए ये यहाँ पे लॉन्च किया गया सागरवाणी। देखो नाम में ही सागरवाणी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो ये आप लोग को याद करना है किसने लॉन्च किया, किस लिए लॉन्च किया और कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया, वो तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ठीक है। सेंटर ने जीएसटी रेट फाइंडर ऐप लॉन्च किए जहाँ से आप लोग जो करंट रेट चल रही है जीएसटी की वो देख सकते हैं, ठीक है। तो जीएसटी रेट फाइंडर ऐप लॉन्च किए, इंपॉर्टेंट है, जीएसटी की बड़ी चर्चा चल रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप ये भी है द मेरिट ऐप, ठीक है। मेरिट और पेंसिल दोनों नाम बड़े इंटरेस्टिंग है तो पूछा जा सकता है। मेरिट ऐप की जो फुल फॉर्म है वो मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिजुवेनेशन ऑफ इनकम एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ये ई बिडिंग सॉल्यूशन है एक तरीके का, ठीक है, पावर प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी कि जो बिडिंग होती है, जो बोली वगैरह लगती है, जो टेंडर वगैरह फिलअप किए जाते हैं, उनके लिए ये बिडिंग ऐप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को या फिर जो भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे लोग यहाँ पे
अगर कोई भी पावर प्रोड्यूस करता है अपने घर पे या कोई प्लांट है या कोई सोलर, तो वहाँ पे वो यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के आगे के प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, यानी बीडिंग हो गया यहाँ पे उनकी प्राइस क्या होगी वो आप लोगों को पता चल जाएगी। तो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, आप लोगों को मेरिट ऐप किसने लॉन्च किया किस लिए लॉन्च किया बस इतना याद करना है, पावर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ई बीडिंग ऐप है, बस इतना याद रखिए, और किसने लॉन्च किया है, ठीक है, जो अपना ये पावर मिनिस्ट्री से रिलेटेड ही लॉन्च किया होगा किसी ने, तो वही चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी, एक फुल फॉर्म इसकी ध्यान रख लीजिएगा बस। आगे बढ़ते हैं और प्लेटफॉर्म की, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू इनेबल वुमेन एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फाइल कंप्लेंट्स। अगर आपकी कोई कंप्लेंट्स है हरेसमेंट वगैरह से रिलेटेड, अगर आप वुमेन हैं, तो एक ऐप लॉन्च किया है सी बॉक्स जिसका नाम है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट कंप्लेन डाल सकते हैं और यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट कंप्लेन का रिस्पांस मिल जाएगा। तो ये जो देखो आप लोगों को ई प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखो पहले तो क्या होता था कि एक पावरफुल सीट के ऊपर जो बैठा हुआ आदमी था वो सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन आज वो घर बैठे सब तक एसेसिबल है, बस आपने को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि ये सी बॉक्स इतना अच्छा है, यहाँ पे आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री को अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, वहाँ पे जो कंसर्न ऑफिशियल्स होंगे वो आप लोगों को डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे वहाँ से। नेक्स्ट आ जाइए, प्रेसिडेंट जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने लॉन्च किया है ई एजुकेशन, एक प्लेटफॉर्म है जो स्वयं प्लेटफॉर्म था, ये पहले ही लॉन्च हो चुका था, लेकिन एक स्वयं प्रभाव उसके अंदर एक एडिशन किया गया है जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी होगी ई एजुकेशन के लिए, यानी कि हम जो हमारे स्कूली स्टूडेंट्स हैं उनको एक स्वयं प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे वो जाके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देख सकता है बिल्कुल फ्रीली, जो हमारे जितने भी बेस्ट टीचर्स होंगे सरकार उनको हायर करके वहाँ पे उनको सर्विस प्रोवाइड करेगी हमारे स्टूडेंट्स को। तो उसके अंदर एक स्वयं प्रभा नाम से एक नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एंड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को एड किया गया है, तो उसका नाम क्या है, स्वयं प्रभा, ठीक है। केरला सीएम पिनराई विजयन, ठीक है, एक ऐप लॉन्च किया जी राइड ऐप, ठीक है। तो ये जी राइड ऐप क्या करता है कि जो भी को वर्कर्स हैं चाहे गवर्नमेंट के हो चाहे वो, उनको साथ में ट्रेवल करने के लिए एक ऑप्शन प्रोवाइड करते थे, आपको बताया था कि आपके पास में ये बंदा आपके डिपार्टमेंट में काम करता है, आपके वहीं काम करता है, आपके आसपास की किसी कंपनी में काम करता है, तो वहाँ से आप उनको करके और आप राइड शेयर कर सकते हो। NHAI लॉन्च टू मोबाइल ऐप माई फास्ट टैग और फास्ट टैग, ठीक है, दिल्ली के अंदर ये काम करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए, अब देखो क्या है, टोलों के ऊपर भीड़ लग जाती है, बहुत सारी गाड़ियाँ जाम वगैरह लग जाता है दिल्ली जैसे बड़े शहर में, कितनी भी सुविधा करते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर एक कोड वगैरह होगा कोई आपकी गाड़ी के, वो डिस्पैच होगा आपके अकाउंट पैसे होंगे वहीं से कट जाएंगे और वो आपको फटाफट फास्ट सर्विस थोड़ी हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि इन्हें चाहिए नहीं, तो माई फास्ट टैग ऐप फास्ट टैग ऐप किस लिए लॉन्च किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए लॉन्च किए, बस बात खत्म। चेयरमैन ऑफ NHAI, NHAI क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये दीपक कुमार हैं, वर्ल्ड क्लास न्यू मल्टीलिंगुअल वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट लॉन्च की है और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम PMIS नाम से इन्होंने ये लॉन्च किया है, जो भी इनके जो NHAI के प्रोजेक्ट है उनको मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल मिनिस्टर जेटली, जो अरुण जेटली जी हैं, उन्होंने आयकर सेतु नाम से एक ई इनिशिएटिव लिया है फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी या फिर जो टैक्स पेयर्स होंगे उनसे रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी वो यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आयकर सेतु किससे रिलेटेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, किसने लॉन्च किया, जो अरुण जेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है। दोस्तों इसके बाद में एक न्यूज़ बच जाती है, CM फडणवीस लॉन्च्ड महा, ठीक है, महा लाभार्थी वेब पोर्टल, ठीक है, ये लोगों को हेल्प करेगा गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होंगी उनके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे आप लोग फ़ायदे ले सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। दोस्तों ये 3 पॉइंट्स अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। कोचिंग के बारे में फिर से मैं रिमाइंडर देता हूँ, दोस्तों काफ़ी अफोर्डेबल होने वाली है कोचिंग, आपके पॉकेट मनी से भी कम हम लोग इसको लेके आने वाले। हमारा मकसद शुरू से यही था, हम सस्ता लेंगे, लेकिन पहले हमारी मजबूरियत थी कुछ, हमारी जो कॉस्टिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब हम एक नया सिस्टम लेके आए, ऑनलाइन सिस्टम लेके आए जिसमें हमारा स्टोरेज बैंडविड्थ ये सारी चीज़ें कम हो रही है, तो उससे हम लोग आप लोगों की प्राइस को ड्रॉप कर रहे हैं। 8955974739 पे आप कॉल करके आपकी जो ऑनलाइन कोचिंग है, कलर का एग्जाम अभी बचा हुआ है, नेक्स्ट ईयर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप अपने छोटे भाई बहन या अपने बाकी लोगों को बता सकते हैं कि इस पे कॉल करके आप लोग उसकी जानकारी ले लें और प्री ऑर्डर भी आप लोग कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। आगे के 3-4 पार्ट और आएंगे, सारा जीके हम लोग उसके अंदर कवर कर लेंगे, पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो दोस्त हमारे यहाँ वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगले पार्ट की वीडियो में, देखना।